एतिकाफ है, यह पहली बात सुन्नत मौकदा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो रमज़ान है इसके आखिरी अशरे में यानी आखिरी के 10 दिन में एतिकाफ किया था। वैसे तो उन्होंने 3 अशरों में किया था, लेकिन पहले के जो 2 थे वो ज़रूरी नहीं थे, तो उन्होंने सहाबा को तरगीब दी कि आप चाहे तो मेरे साथ रह सकते हैं, नहीं तो आप जा सकते हैं, मगर ये जो लास्ट का अशरा है ये सुन्नत मौकदा है, यानी इसमें आपको जो एतिकाफ है वो करना ज़रूरी है। आपके बहुत इसमें फ़ज़ाइल है। एक इंसान मुत्तकी परहेजगार किस तरीके से बने, इसके बहुत सारे फ़ज़ाइल है। एक इंसान को मुत्तकी परहेजगार, एक इंसान को सही रास्ते पर चलाने के लिए, एक इंसान की ज़िंदगी में एक चेंज लाने के लिए, ठीक है। तो एतिकाफ का मेन मकसद होता है कि एक इंसान जो उसने अपने पिछले 20 दिन में अमल किए हैं, 10 दिन में वो अमल करके एक सही रास्ते पर चले, उन हकमी शक्ल देखे किस तरीके से ये 10 दिन अमला कर वो पूरे 365 डेज इन पर सही तरीके से चल के अपनी ज़िंदगी को तब्दील कर सकता है। एतिकाफ हमारे अंबियाए किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है, और ख़ास तौर से हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एतिकाफ का एहतिमाम किया है। हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई बार अपने सहाबा के साथ एतिकाफ फरमाया, इसी वजह से एतिकाफ सुन्नत है। बल्कि एतिकाफ की अगर देखी जाए तारीख, तो एतिकाफ हर उस मस्जिद में करना ज़रूरी है जिस मस्जिद में 5 वक्त नमाज होती हो। तो तरावी के अलावा दूसरी चीज़ यहाँ होती है, यही दीनी तालीम होती है, दीनी तरबियत होती है। उसके अलावा यहाँ इफ्तारी और सहरी का नज़म होता है। इफ्तारी में यही जो मुरीदीन होते हैं, जो अपने बुज़ुर्ग अपने पीर के साथ जुड़े होते हैं, यही इंतज़ाम करते हैं। कुछ लोग खिदमत करते हैं, कुछ एतिकाफ में बैठ जाते हैं, तो इस तरह से ये चलता है सिलसिला। सहरी का भी इफ्तारी का भी अल्हम्दुलिल्लाह पिछले तकरीबन 20 साल से ज़ायद 25 साल से ये तरीक़ाकार चल रहा है, पीछे भी रहा है, आगे भी इंशाल्लाह इसकी कोशिश होगी।